एक और वेबसाइट बताऊंगा, इसमें और शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है? फिर उसके बाद कल आगे, परसों आगे करेंगे। चलो तो देखो ये आ गया, सबसे पहले मैंने CSS ले ली, और एक जावास्क्रिप्ट चाहिए मेरे को, तो मैं जावास्क्रिप्ट भी यहीं से उठा रहा हूँ, ये रही, और इसको मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे एक रो ले ली, टिप क्लास रो, कल रो से पहले क्या करेंगे, कंटेनर फ्लूड ले लेंगे, कंटेनर फ्लूड, ठीक है? और इसके अंदर हमने क्या करा, रो ली, और रो के अंदर एक कॉलम लिया, कॉल LG-12, ठीक है? और इसके अंदर हमने कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ये चाहिए, ठीक है? और इसके अंदर यानी मेन्यू बार भी चाहिए, तो क्या करा हमने, कॉल 12 के अंदर मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है? एक कंटेनर लिया कॉल 12 के अंदर, ठीक है? और कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक रो और लेता हूँ, रो, ठीक है? इसके अंदर मैंने कॉलम लिए, कॉल LG-, पहला लिया 8 का और दूसरा लिया 4 का, 8 का और दूसरा लिया 4 का, 8 और 4 12। अब जरा एक कलर कोड निकाल लेते हैं, तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करके ये कलर कोड निकाल लेता हूँ, या फिर ये वाला टूल भी मैंने यूज़ कर रखा है, इसको यूज़ कर लेता हूँ, ये कलर, हाँ ये रहा, ये इंस्पेक्ट करके नहीं ले आता हूँ, सिखाया ये, चलो ठीक है। ये तो बोलता भी नहीं है सर। एक लिंक कराए थे, लिंक CSS, और यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, कंट्रोल एन सेव किया, स्टाइल डॉट सी एस एस, और यहाँ पे अपन फाइल सेव कर लेते हैं, और नाम दे दिया मैंने इसका डॉट ब्लू BG। ये कोई क्लास नहीं है, मैं खुद की अपनी क्लास बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये रख दिया, ठीक है? और ये कलर मुझे कहाँ चाहिए, ये कलर मुझे चाहिए कंटेनर फ्लूड फ्लूड में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BG ब्लू, ठीक है? हाँ तो ये हो गया हमारे पास, इसमें मैं लोगो लिख के देखता हूँ, लोगो आ रहा है इसके अंदर, तो रिफ्रेश किया और कंटिन्यू 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 क्या, और ओपन विद लाइट सर्वर। हे भगवान, तो कुछ दिखा यहाँ पे, ये आ गया ऐसा, ठीक है? पर मैंने BG ब्लू दिया था, वो आया नहीं, ब्लू BG है क्या, ब्लू BG, BG, तो देखो ये आ गया हमारे पास, आ गया इस तरीके से लोगो यहाँ आ गया बीच में, ठीक है? अब तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे मेन्यू बार चाहिए, किस में चाहिए, ये मुझे 4 का रखना, तो ये नहीं, 8 का ही चाहिए मुझे, तो इसके अंदर मैंने क्या करा, लोगो हटा दिया, और लिखा नैब के अंदर UL के अंदर LI के अंदर A, ठीक है? यहाँ लगाए थे हैशटैग, और इसकी क्लास कौन सी थी, nav-link, और LI की क्लास थी nav-item, और एक UL की क्लास थी nav की क्लास थी nav-expand-lg, और क्या था, बस। चलो चेक करते हैं, तो मेन्यू बार आ रहा है हमारा कहीं पे, कोई दिख ही नहीं है, कलर दे दूँ उसका, तो यहाँ पे लिख देते हैं nav-dark, तो आ रहा होगा कहीं, अभी भी कहीं नहीं आया, और लिखा ही नहीं मैंने कुछ, होम। अब जरा चेक करते हैं, देखो आ गया, ठीक है? आ गया, और इसी की कॉपी करते हैं, होम अबाउट कोर्स और कॉन्टेक्ट, इस तरीके से 4-5 आ गए, तो ये आ गए हमारे इस तरीके से। पर मुझे ना कलर ये वाला नहीं चाहिए, मुझे कलर चाहिए प्योर वाइट इसका, है ना? तो हमने क्या करा, यहाँ पे गए CSS में, और ये लिखा फुल स्टॉप nav-link कलर और वाइट, और इसको मैंने इम्पोर्टेंट भी कर दिया ताकि इसी को फॉलो करे ये, तो ये प्योर वाइट आ रहा है, और स्पेसिंग भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें नहीं लिखा, अरे यार, हाँ मैंने इसमें लिख दिया nav-item में पैडिंग 8 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक
तो यहाँ पे हमारा ये स्पेसिंग भी आ गई इस तरीके से, ऐसा बन के आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ अबाउट अस, अबाउट अस, यहाँ दे देते हैं कोर्सेस, और करियर, कॉन्टेक्ट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे आ गया ये ऐसा कुछ। ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, ये देखो बन गया मेन्यू बार, यहाँ मुझे लोगो चाहिए तो लोगो निकाल लेते हैं। कहाँ होगा मेरा ये व्हाट्सएप साइट, ये तो नहीं है, नहीं, एप ड्राइव में ये है, एफ ड्राइव में, एफ ड्राइव में वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन ये रहा, और लोगो। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं हम, यहाँ पे लिख दे यू एल में आई एम जी एस आर सी इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखा हमने हैश टैग क्लास लगाई नेबार हाइफन ब्रांड ब्रांड, और यहाँ पे लिखा मैंने इसका नाम लोगो डॉट पी एन जी, ये आ गया। ठीक है, इसकी विड्थ दे दी मैंने, तो वो नहीं आया, उसके भी ठंड है। ठीक है, मैंने विड्थ नहीं दी, हाइट दे दी, नेबर नेब ब्रांड, हाँ ठीक है, यूएल यूएल की क्लास लगाई नेबर हाइफन नेव और नेबर हाइफन, हाँ ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा क्लास नेबर हाइफन ब्रांड, और मैंने यहाँ पे लिखा हाइट 70 पिक्सल, कुछ हुआ इससे, और कम कर लेते हैं 30 पिक्सल 50 पिक्सल, हाँ ये आ रहा है, वाला बिगड़ा हुआ आ रहा है थोड़ा, है ना, ये इसको इसे बड़ा करना पड़ेगा हमें, इसे मैं 9 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ, क्या आ गया। ठीक है, और अगर मुझे ना इसकी बीच की स्पेसिंग जो है वो थोड़ी बढ़ानी है अपने हिसाब से करनी है, तो आप ना इंस्पेक्ट करना यहाँ से, जो हमने क्लास दी थी ना कंटेनर, उसमें ना सीएसएस हो रखी होगी, कंटेनर 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 यहाँ थी कॉलम के अंदर, ये रही, इसकी सीएसएस चेक करना, तो इसकी सीएसएस है कि मैक्सिमम विथ 960 इतनी। ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, हाँ मैंने इसको बढ़ा दिया, ये लिख दिया डॉट कंटेनर और मैक्सिमम विथ 1280 पिक्सल, और इम्पोर्टेंट कर दिया इसको, तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ हुआ ऐसे फर्क पड़ा, ऐसा तो नहीं है, फर्क तो पड़ा होगा, 1380 करके देखूँ, ये कुछ नहीं, अच्छा पैडिंग भी दे रखी होगी इसके अंदर, चलो तो इसे मैं फिलहाल अभी हाई कर, ये हाँ हो तो रहा है, फर्क तो पड़ा है, हाँ फर्क पड़ा ना, नहीं पड़ा, वो तो रहा है, पहले यहाँ था आई के नीचे, है ना, और ये लगाने से कितना हो रहा है, हाँ बढ़ गया ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो चलो ये आ गया। अब मुझे बटन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया, बटन के लिए प्रीडिफाइंड क्लास है वो यूज़ कर लो, बटन क्लास btn हाइफन, और मुझे चाहिए प्राइमरी कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ आ गया ये वाला कलर। ठीक है, आपको प्राइमरी नहीं लाइट चाहिए, तो यहाँ मैंने लाइट कर दिया। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं डाउन इंक्वायरी नाउ, तो मैंने यहाँ पे इंक्वायरी नाउ कर दिया, तो यहाँ मेरा ये बटन आ गया होगा, इस तरीके से बटन आ गया। और ये बटन मुझे ना ये बटन जो है मुझे बिल्कुल बीच में चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल बीच में चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक तो इसकी ना 8 पिक्सल को हटाता हूँ पहले, तो क्या दिक्कत है, ये इसमें आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, ये अब मुझे इसमें सेंटर में चाहिए,
तो मैंने क्या करा, इसमें इसमें लिख दिया बटन के अंदर यहाँ पे एम टी थ्री, बटन थोड़ा नीचे आ गया, MT2 कर देते हैं, ये मेरा ऐसा आ रहा है। या फिर मैं यहाँ पे भी इसे हटा के यहाँ लिख सकता हूँ PT2, तो ऊपर से स्पेसिंग आ जाएगी जितनी भी चाहिए आपको। ठीक है, तो 2 सही लग रही है, तो 2 रख लेना, ये आ गया। ठीक है, एक बटन और चाहिए, इसी को कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर लिया, इसके अंदर मैंने डाउनलोड ब्राउज़र कर दिया, ब्राउज़र, तो यहाँ डाउनलोड ब्राउज़र का आ गया बटन। ठीक है, इसमें भी मुझे क्या चाहिए, कलर चेंज करना है, तो इसमें मैंने लिखा माई बी जी। ठीक है, और यहाँ पे गया मैं, और ये वाला कलर ऐसे डेंजर है, तो चलो डेंजर कलर दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखा बटन BTN- डेंजर कलर, वो कर देते सक्सेस, सक्सेस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सक्सेस कलर आ गया। ठीक है, मुझे फॉन्ट के स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो फॉन्ट की स्टाइलिंग में यहाँ पे बी टेक से बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया, और इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक हाँ, तो ये ऐसा है, कुछ गलत रह गया क्या, कहीं गलत हुआ है, बी टेक बंद, और ये सब कुछ तो सही है, स्पेस ले लिया होगा इसमें। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको मैं 9 की जगह 8 करूँ। हाँ बिगड़ गया। अच्छा, हाँ इसको 8 कर लेता हूँ, इसको कितना बज गया, 4 कर लेता हूँ, और उसकी पैडिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्या मैंने 20 दी थी, 20 की जगह मैंने 15 कर देता हूँ, तो ये सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है डिज़ाइन। ठीक है, राइट कॉर्नर से लेके चला चुका है राइट कॉर्नर से क्यों, नहीं कंटेनर इतना स्पेस ले तो रहा है, स्टैंड इतना स्पेस ले तो रहा है, ज़्यादा हमारा ज़्यादा ले रहा है आपको ना, वही मैंने 1280 करा ना, मैं 1280 की जगह 1380 करके देखता हूँ, अब क्या हो रहा है, इस तरफ पड़ा है अब, ये पड़ा तो है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अच्छा हाँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख देना, ये देखो ये है ना हमारा 4 LG 4, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ, तो राइट करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं फ्लोट हाइफन राइट, और इसी को कॉपी करके इसको भी मैंने यहाँ भेज दिया, तो अब कुछ हुआ इससे, तो आ गया ना ये इधर से। ठीक है, ये आ गया, मुझे थोड़ा मार्जिन भी चाहिए, तो उल्टा क्यों वो उल्टा आ गया ना, हाँ इसको पहले रख लेंगे। हाँ, और मुझे ना यहाँ पे ना मार्जिन भी चाहिए, किसमें चाहिए, इसमें चाहिए, ये हुआ इसलिए क्योंकि फ्लोट राइट दिया ना, तो वो कुछ होके आगे की तरफ चलाया था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डाउनलोड ब्रोचर और इंक्वायरी नाउ, यहाँ पे मैंने MR कर दिया 2, मार्जिन राइट 2, तो ये स्पेसिंग आ गई होगी, यहाँ पे स्पेसिंग आ गई। ठीक है, अब मोबाइल में देख लेते हैं इसको, मोबाइल में ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे मुझे मोबाइल में ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल में ना ये सब कुछ गायब करना है, और यहाँ पे एक बटन चाहिए बस। ठीक है, तो मैं ये ना वो सिंपल सा डिज़ाइन देता है, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मोबाइल में ना बस सिर्फ इसे गायब कर रहा हूँ, तो गायब करने के लिए हमने क्या करा, कोलैप्स यूज़ कर लिया, कहाँ पे कोलैप्स आ जाएगा, यहाँ पे ये यह आएगा कहाँ से कहाँ तक, यूएल से, हाँ तो यहाँ पे लिखा मैंने डॉट कोलैप्स, और इसको मैंने क्या करा बंद कर दिया, कहाँ पे, ये गायब हो गया होगा मोबाइल में, ये गायब हो गया पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया। अच्छा पता, मैंने लोगो भी ना इसी में रख दिया, यही मैं सोच रहा था कि अलाइनमेंट क्यों बिगड़ रही है, तो ये इसमें नहीं रखना था, ये बाहर रखना है इसको, यहाँ को लेफ्ट से ही बाहर रखेंगे, ये मैं सोच रहा था अलाइनमेंट बिगड़ क्यों रही है, क्योंकि मैंने इसमें ही रख दिया था यूएल में। हाँ ठीक है, अब सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये हमने यहाँ पे ऐसे रख लिया, अच्छे, और ये बटन भी चाहिए क्या हमारे, तो बटन कहाँ है हमारे, ये रहे कॉल LG 4, तो मुझे ये वाले सेक्शन इसको ना मैंने एक डिब में रख लिया, या एक काम करते हैं, बटन के लिए मैंने अलग बनाया ये है ना,
और अगर मैं इन बटन को इसी में रख लूँ तो इसी सेक्शन में इसको हटा दूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे यूएल के बाद ही रख लूँ तो क्या हो रहा है, ये गायब हो गए, ये यहाँ भी गायब हो गए। अब मैं मोबाइल में से चाहता हूँ कि सिस्टम में आए, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए लगाते हैं कोलैप्स के आगे नेवबार हाइफन कोलैप्स, तो क्या होता है यही आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और सिस्टम में आ रहे हैं तो मोबाइल क्या ट्वेल्व ट्वेल्व नहीं करा क्या मैंने, LG 12 कर दिया इसको, 12 ये अच्छा है हमारे पास, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया हमारा, तो इसमें तो अपने फ्लो उसमें फ्लोर लाइट लगा रहा है हाँ तो उसको इसमें नहीं कर रहा क्योंकि वो डिप से बाहर आ गया ना, डिप से बाहर चला गया ये, क्या चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ML ऑटो तो क्या हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। पर मुझे वो चीज़ इधर चाहिए थी, तो अगर मैं MR ऑटो करूँ यहाँ पे मार्जिन राइट ऑटो, ये ऐसा आ गया, हो गया ये हमारा इसी से, ठीक है। मार्जिन राइट ऑटो लगा दिया मैंने, अब मुझे थोड़ा मार्जिन चाहिए था तो मैंने मार्जिन तो लगाया था। अब देखो वो सही हो गया अपने आप, डाउनलोड ब्रोशर और इंक्वायरी ना, तो अब मैं वो वापस ऐसे ही कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा, अब मुझे मार्जिन चाहिए था बस, तो मैंने क्या करा MR-2 कर दिया। फ्लोट राइट लगाने के मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है इसकी, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्योंकि मैंने उसमें लगा दिया यूएल में, तो ये ऐसे ही काम कर रहा है हमारा, तो ये बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। मैंने और कुछ तो नहीं लगा रखा ना, बस ठीक है। तो ये हमारा ऐसा बन गया, मोबाइल में क्या हो रहा है ऐसा गायब हो रहा है, सिस्टम में हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, टॉगल चाहिए, तो मैं यहाँ टॉगल दे देता हूँ। टॉगल कैसा आएगा, वो आएगा हमारा इसके बाद डॉट इसका नाम का इसी क्लास का नाम है नेवबार हाइफन टॉगल, ठीक है। टॉगलर है, टॉगलर है, टॉगलर है ना, हाँ। स्पैन क्लास नेवबार हाइफन टॉगलर हाइफन आइकन, और यहाँ पे बंद कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है, ये कहीं आ रहा है, ये मोबाइल में आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो मुझे मोबाइल में ना ये क्लिक करने पे ऐसे नहीं चाहिए, मैं मोबाइल में चाहता हूँ कि ना क्लिक करने पे वो स्लाइड वाला आ जाए, तो मैं वो वाला बनाऊंगा इसमें, ठीक है। सिस्टम में ये रख रहा हूँ, मोबाइल में वो रखूँगा, तो मैं अभी ये नहीं लगा रहा ये वाला, ठीक है। ये मैं अलग से जावास्क्रिप्ट से लगाऊंगा, ठीक है, वो ऐड कर लेगी जब जावास्क्रिप्ट करेगा, तो अभी से नहीं ऐड कर रहे। तो अब मैं आता हूँ इसके बाद नीचे एक डिव और बना लेता हूँ। तो ये सेक्शन देखो कहाँ तक ख़त्म हो गई, ये पूरी रो यहाँ ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसी कंटेनर फ्लूट के अंदर आगे काम किया, अलग एक रो और ले ली, ठीक है, एक रो ले ली। इसके अंदर मैंने क्या करा, क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये डायरेक्ट इसके अंदर कंटेनर ले लूँ, ठीक है, तो दो बार रो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर मैंने कंटेनर लेने के बाद क्या करा, ये कंटेंट डाल दिया, और कंटेंट डालने के लिए मैंने अब इसके अंदर रो ली फुल स्टॉप रो, और कितने कॉलम चाहिए, एक और एक दो कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम ले लिए, कॉल LG-6 और यहाँ पे एक और कॉलम ले लिए 6 6 12। इसे कॉपी किया, इसको H1 को यहाँ डाला, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, अरे शिट कॉपी क्या प्रॉपर्टी, कर दीजिए और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब ये कहाँ आ रहा है हमारा, ये आ रहा है यहाँ पे ही आ रहा, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे एक डिव लिया, इसमें मैंने वो लगा दिया PY-5, पैडिंग वर्टिकल 5 हो गई, ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, BR टैग लगाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने BR टैग लगा दिया, इससे क्या हो गई, लाइन ब्रेक हो गई। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे कलर लगा दिया, तो H1 की क्लास लगाई टेस्ट लाइट, तो यहाँ पे टेस्ट लाइट हो गई है, ठीक है। अब तो ये हमें क्या बटन है ये वाला, पहले मुझे लाइन भी चाहिए, तो मैंने इसे भी कॉपी कर लिया, तो इसको मैंने क्या करा पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दिया, तो रिफ्रेश किया ये आ गया हमारा। अब इसका कलर दे देते हैं H1 की क्लास टेस्ट लाइट, तो ये क्या हो गया हमारा, ये इस तरीके से सेट हो गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक बटन चाहिए, तो मैंने बटन लिया,
बटन ऊपर वाला ही उठाता हूँ, बटन वो नहीं लगा रहा मैं, वो जो आगे आइकन वाइकन लगा हुआ है। बटन कहाँ है? ये रहा कॉपी, और हमारा कहाँ है ये रहा कंट्रोल भी। तो ये बटन हमारा यहाँ लग गया इस तरीके से, ठीक है। मुझे इसका साइज थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस कॉलम के अंदर सिर्फ इस कॉलम में लगाए के P/5 लगाया था मैंने, पर मुझे इतना नहीं से ज़्यादा चाहिए, तो मैंने माई इसका एक क्लास बना दी माई पैडिंग, और यहाँ पे गए CSS में और यहाँ लिख दिया मैंने फुल स्टॉप माई पैडिंग और पैडिंग हाइफन पैडिंग और 150 पिक्सल और 0 ऐसे दे दिया मैंने। तो इससे क्या हुआ, ये ऐसे बीच में आ गया, हो गया ये हमारा इस तरीके से बीच में आ गया है। 180 कर देते हैं तो और बीच में आ जाएगा, ये हो गया सेट, ये इतना बन गया ये हमारा, ठीक है। अब क्या चीज़ चाहिए हमें, फॉर्म चाहिए, और तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा इधर, है ना। तो फॉर्म बनाने के लिए ये देखो कॉल LG ES6 है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमने लिखा फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट कॉलन टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे लगा दी मैंने इसकी क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल, ठीक है। तो अभी चेक करते ही ऐसा आ रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी इसे कम कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं और इसको मैं 8 कर लेता हूँ, 8 8 और 4 12, तो ये ऐसा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये ऐसा आ गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे MY कर दिया 2, इसी मार्जिन वर्टिकल को मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो ये मैंने ऐसे लगा दिया यहाँ पे, ये आ गया इस तरीके से। और सेकंड मैंने क्या करा, एक और इनपुट बना लिया, कॉपी और पेस्ट कर दिया, और इसका कलर इसमें दे दिया इनपुट टाइप सबमिट, तो ये भी बटन बन गया इस तरीके से। पर कलर चेंज करना है इसका, तो कलर हमने क्या करा, इसका ये वाला कलर उठा लिया, तो ये वाला कलर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये अपने कैसे आ गया, मैंने पिक पिक किया होगा कलर इस चीज़ में। तो यहाँ पे मैंने कहा कि कलर कौन सा है, डॉट पिंक, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिस डाल दिया, ये डाल दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे यहाँ गया और यहाँ पे मैंने इसी क्लास के आगे क्या करा, पिंक लिख दिया, पिंक, इससे क्या हो गया, पिंक कलर आ गया, वही है पिंक कलर आ गया। पर मैंने क्या करा, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, पर मैंने यहाँ पे ना एक BTN क्लास भी लगा दी, ठीक है, और इससे क्या होगा, थोड़ा बटन वाला इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फॉन्ट कलर भी चाहिए तो टेस्ट लाइट कर दिया, तो फॉन्ट कलर भी वाइट हो गया, ठीक है। अब स्पेसिंग इक्वल चाहिए मुझे, स्पेसिंग इक्वल चाहिए तो मैंने यहाँ पे जाके यहाँ पे भी लिख दिया माई पैडिंग, तो इसमें भी स्पेसिंग आ गई होगी ये आधी, ठीक है। इसमें स्पेसिंग थोड़ी कम चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी क्लास दे दूंगा, क्या नहीं नहीं ये मैंने अपनी क्लास दी है, मैंने एक क्लास और दे दी माई पैडिंग 2, इसमें मैंने 180 की जगह 150 कर दिया, और यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने पैडिंग 2 कर दिया, तो ये मेरा बिल्कुल बीच में हमने सामने आ गया, ये आ गया ये, और ये और इस तरीके से हमने इसे सेट कर दिया। क्या बटन में डबल पैडिंग कहाँ ले रहा है? अच्छा, ये बटन में इसलिए ले रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ भी लगा रखा है और यहाँ भी लगा रखा है, तो मुझे इसकी पैडिंग हटानी पड़ेगी, टॉप और बॉटम ले रहा होगा ना, तो ये आ गया हमारे पास है, ठीक है। ये बन गई स्क्रीन हमारी, मोबाइल में अब कैसे आ रहा है, तो मोबाइल में ये हमारा इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है, और सिस्टम में ऐसा आ रहा है, मोबाइल में इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब मोबाइल में गैप करना है, हाँ, तो अब मोबाइल में गैप करना कम करना है मुझे, ये पैडिंग कम करनी है मोबाइल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगा देंगे, @media मैक्सिमम हाइफन विथ 768 पिक्सल, और मैंने इसे यहाँ पे से सेट कर दिया, और यहाँ लिखा मैंने माई पैडिंग, दोनों को ले लेता हूँ और दोनों को ही कम कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ 80 और इसको कर देता हूँ 50। अब चेक करते देखो कम हो गई मोबाइल में, और सिस्टम में क्या हो गई, ऐसी आ रही है, और मोबाइल में कम हो गई, यहाँ पे आया समझ में।
ये देखो प्रॉपर आ रही है, रिस्पॉन्सिव बन गई हमारी, ये देखो ठीक है, ये इस तरीके से बन गया हमारा। हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद मैसेज की साइज तो और बढ़ी है, इसका फॉन्ट बढ़ा है इसलिए बड़ी लग रही है। तो मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा कि जो इसका नाम था, क्या नाम था ये, तो माई फॉन्ट लिख देता हूँ इसका नाम मैं, ठीक है। और यहाँ पे CSS में गया और मैंने लिखा फुल स्टॉप माई फॉन्ट, और इसका मैंने फॉन्ट साइज 55 पिक्सल दे दिया। तो ये आ गया होगा हमारा, ऐसे बन गया, थोड़ा और बड़ा हो गया ये कितना, वो फॉन्ट ऐसा है ना इसलिए, नहीं तो वैसे इतना ही साइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से फॉन्ट आ गया, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। तो हमारी दोनों चीज़ें कर रहे हैं, देखो हम अपनी CSS भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, दोनों ही करना पड़ेगा आपको। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारा यहाँ ऐसा आ रहा है, ठीक है। मुझे सिस्टम में ना थोड़ी पैडिंग चाहिए, मतलब मोबाइल में ये बिल्कुल लग के आ रहा है ना, ये थोड़ा सा इधर चाहिए। तो मैंने क्या करा, मोबाइल में ना इसको 0 की जगह मैंने 80 कर दिया, तो मोबाइल में भी 80 नहीं करता, 60 कर देता हूँ। तो मोबाइल में ऐसा आ रहा है, और मोबाइल में मुझे फॉन्ट कम करना है, तो मैंने लिखा माई फॉन्ट इसका साइज 45 पिक्सल। तो अब ये मेरा ऐसा हो गया, ठीक है, और सिस्टम में क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है, और मोबाइल में क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है, समझ में आ गया। तो देखो हमारा ये इस तरीके से बन गया ऐसे, ठीक है, ये स्क्रीन हमारी ऐसे मोबाइल में रिस्पॉन्सिव बन रही है। अब आते हैं कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे चाहिए कोर्सेज वाला। तो कोर्सेज में मैं चाहता हूँ होवर जाने पर ड्रॉप डाउन आ जाए, फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये तो वो लगा दोगे ना प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर एंटर नेम, मैंने यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल दिया, तो ये हमारा ऐसा आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो कौन सा वाला गैप, ये वाला गैप, ये अच्छा ये वाला। अगर देखो अगर आपको ना इसको मॉडिफिकेशन करनी है, ये जो अंदर लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके लिए ना आपको यहाँ जाना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा दो बार ये, ठीक है, प्लेस होल्डर पैडिंग हाइफन लेफ्ट 15 पिक्सल। तो स्पेसिंग आ गई ना यहाँ पे, बढ़ गई स्पेसिंग। तो इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज करना है तो कलर भी चेंज हो जाएगा। क्या बूटस्ट्रैप में नहीं है ऐसे, कलर ब्लू, तो कलर हमारा कलर नहीं हुआ इम्पोर्टेंट, हाँ ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, तो ये आ गया हमारा, समझ में आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से ऐसे बन गया एक स्क्रीन। और ये होवर चाहिए मुझे, अब इस पर होवर ऐसा आ नहीं रहा, क्या हाँ हाँ। तो इसमें मैंने क्या करा, इंक्वायरी नाउ के बाद माई बटन नाम दे दिया इसका, माई बटन। और मैंने कहा कि जब कोई माई बटन पे होवर लेके जाए, पे होवर लेके जाए, तो इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर और ये हो जाए पिंक, और इम्पोर्टेंट कर दिया क्योंकि पहले से लिखा होगा, तो मैंने इम्पोर्टेंट कर दिया। तो अब रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये ऐसा कलर चेंज हो गया। ये मैं कह रहा हूँ बॉर्डर भी जो वाइट आ रही है वो भी हो जाए, तो बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर पिंक सॉलिड और 2 पिक्सल, और इससे क्या होगा, बॉर्डर भी हमारी इसी तरीके की हो गई, फॉन्ट कलर वाइट हो जाए, कलर वाइट, तो कलर वाइट हो गया। तो ये हमारी इस तरीके से ऐसे एनिमेशन लग गई। होवर जाने पे एनिमेशन भी थोड़ा सा पॉपअप भी करें, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1 और ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड, चेक करते हैं ये, हाँ ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बटन काम कर रहा है, अजीब सा लग रहा है पर ऐसे काम कर रहा है हमारा, ठीक है, आया समझ में ये चीज़। हमारा ये बन गया इस तरीके से। तो
इतना देखो हमने बूटस्ट्रैप से क्रिएट किया, इतना सेक्शन हमने बूटस्ट्रैप से किया। अब मुझे ये मॉडिफाई करना है, तो मैंने कहा कि ना इसका सेक्शन कौन सा है, इसका सेक्शन मैंने इसकी क्लास दे दी माई फॉर्म, ठीक है, क्लास दे दी मैंने माई फॉर्म, और ये लिखा मैंने फुल स्टॉप माई फॉर्म, और के अंदर इनपुट जो है वो पैडिंग 15 पिक्सल और जीरो हो जाए, तो वही नहीं इम्पोर्टेंट लगाए थे फिर भी नहीं हुआ, इतने में प्लस माई फॉर्म के अंदर, माई फॉर्म के अंदर इनपुट सही तो है। अच्छा अच्छा फॉर्म कंट्रोल में होगी क्लास, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये क्लास यूज की है ना मैंने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, हाँ और फॉर्म कंट्रोल 15 ज़्यादा धीरे के लिखता हूँ, शायद 15 पहले से हो, अच्छा देते हैं वो, तो 25 ये सही आ रहा है, ठीक है। ये बीच में ये ख़राब हो गया, क्यों ख़राब हो गया ये क्या, नहीं इसमें ना बीटीएन हटा दूंगा सही हो जाएगा सर, नहीं हुआ। अच्छा ये क्यों चेंज हो गया, इसको मैं डाल रहा हूँ, इसको डाल रहा हूँ और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बटन, बटन की क्लास बीटीएन, बीटीएन हाइफन लार्ज एलजी, और यहाँ लिख दिया पिंक, और यहाँ लिख रहा हूँ सबमिट, ये सही लगेगा, ये आ गया, ठीक है। मुझे विथ इसकी पूरी चाहिए, और विथ पूरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, बटन, बटन यही होती है ना लार्ज क्लास, एलजी क्लास, बटन ब्लॉक, हाँ बटन ब्लॉक होती है, ठीक है। मैंने ये यूज़ कर लिया, और यहाँ पे यूज़ किया बी वाई 43, ये आ गई बटन का, और टेक्स्ट और लाइट तो आ गया, आ गया क्या, थोड़ा सा पैडिंग वेडिंग सब सेट हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से मतलब पहले एक एक स्टेप किया करो फिर आगे बढ़ा करो, बिना स्टेप करे आगे मत बढ़ा करो, ये देखो हमारा पूरा एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐप वो यूज़ करोगे, आपको वो भी यूज़ करनी पड़ेगी, और पैडिंग टू में भी लगा दो 60 पिक्सल, बाय 60 पिक्सल लगा दे, ये क्या हुआ, कुछ हुआ तो वो उसकी कैसे हट गई, हाँ ठीक है चलो बराबर हो गया ना ये, ठीक है। इसकी पैडिंग में यहाँ की कम कर देता हूँ, तो मैंने 50 पिक्सल की जगह 20 कर दिया, तो अभी कुछ हुआ, ऊपर आ गया ना, तो ये देखो अभी ये सही लग रहा है ना, तो ये ऐसा सही लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक अलाइनमेंट देख के फिर डिज़ाइन करना है, ये नहीं कि आपने बना दिया बस हो गया, ठीक है। वो पसंद भी तो आना चाहिए सामने, यूज़र को पसंद आना चाहिए, तुम सोचते हो कि ना मतलब जो बनाएगा ना जो कंपनी वाला होगा उसको पसंद आना, कंपनी वालों को नहीं यूज़र को पसंद आना चाहिए, यूज़र कौन जो यूज़ करेगा वेबसाइट को, ठीक है उसको पसंद में आना चाहिए। चलो तुम्हें एक और चीज़ सिखाता हूँ, सिखाइए मैंने क्या क्या, हाँ ये आगे कर सकते हैं, पैडिंग लगा सकते हैं इसके अंदर भी, यहाँ लगानी पड़ेगी, वो कहाँ लगाइए, फॉर्म कंट्रोल है ना, यहाँ मैंने पैडिंग 25 के ऊपर कर रखी है, तो यहाँ लगानी पड़ेगी 50 पिक्सल, ठीक है। अभी क्या दिखाने वाले थे, अब मैं ना चाह रहा हूँ कि ना इसका जो बैग ये है ना ये थोड़ा सा ना ऐसा कर्व जैसा हो, यहाँ ये नहीं ये तिरछा जाए, ठीक है। तो मैं इसके लिए जहाँ गया मैं गूगल पे, पर मैंने सर्च किया पाथ मेकर, CSS पाथ मेकर, CSS पाथ मेकर, ठीक है। यहाँ जाना, ये वेबसाइट है, इस पे चले जाना, इस पे जाने के बाद जैसा तुम्हें चाहिए ना वैसा डिज़ाइन बना लेना,
ऐसा चाहिए मुझे, ठीक है। इसे कॉपी कर लेना कंट्रोल सी से, और ना फिर ना नीचे जाना और यहाँ पे एक डिप बना देना। यहाँ पे हमारा ये काम ख़त्म हुई, रो ये ख़त्म हो गई। इसके बाद मैंने एक और रो ले ली, फुल स्टॉप रो, और लगाएंगे वहीं पर। हाँ मैं कंटेनर के बाद लगाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप रो, और यहाँ लिखा मैंने डॉट कॉल एल जी हाइफन 12, और मैंने क्या करा रो की क्लास लगा दी माई बी जी। और इसके बाद मैं यहाँ पे गया, इसमें कुछ लिख देता हूँ फिलहाल में, और यहाँ गया मैं और यहाँ लिखा मैंने फुल स्टॉप माई बी जी, और मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और मैंने बैकग्राउंड कलर ये वाला यूज़ कर लिया। कुछ हुआ इससे हमारा डिज़ाइन? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तुमने वो पेज कहाँ पे क्या कौन सा कर तो दिया मैंने शायद, आई बी जी नाम दिया था इसका। इसमें मैं कुछ एक्सपन लिख के देखता हूँ, इसकी हाइट देख के देखते हैं। यहाँ माई बी जी की मैंने हाइट दे दी, हाइट 100 पिक्सल। चेक करते कुछ हो रहा है इससे, कुछ नहीं हुआ अभी भी। विथ भी दे दी, हाइट भी दे दी मैंने, बैग विथ 100%, अभी भी कुछ नहीं हुआ। बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखता हूँ उसका, रेड हो तो रहा ही है, ठीक है ऊपर आ रहा है। तो ये मुझे ना पता कहाँ रखना पड़ेगा, ये सेक्शन मुझे इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ से। कंटेनर फ्लूड जो है ना हमारा, उसमें हमने हाँ तभी तो नहीं आ रहा, और हमें यहाँ पे एक और कंटेनर फ्लूड लेना पड़ेगा फ्लूड, और इसके अंदर रखना पड़ेगा। अब ये अच्छा आ रहा है, ठीक है। और मैंने क्या करा कंटेनर फ्लूड ले लिया और ये इसके अंदर डाल दिया, और हाँ और ये जो माई बी जी है इसको मैंने कट करके यहाँ रख लिया, ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मैं वही रख लेता हूँ, कॉपी, और बैकग्राउंड कलर मैंने ये रख लिया। तो कुछ हुआ चेंज हो गया ना, फिर से हो गया ये। इसकी हाइट बढ़ा के देखते हैं, विद दे रखी है मैंने, हाइट बढ़ाता हूँ। हाइट मैंने यहाँ पे इसकी 400 कर दी। तो ये देखो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का डिज़ाइन होता है क्या कर्व कैसे देंगे, मतलब ऐसे तो बोला अच्छा वाला, ठीक है। तो बैकग्राउंड देख के देने पड़ेगा, तो ये सब कुछ शेप्स है। तो कर सकते हैं, ऐसे कर भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कर्व नहीं दे सकता, पर मुझे फिर उसके लिए ना क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर्व से ना फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में ले जाकर ऐसा डिज़ाइन सा बनाना पड़ेगा, उसके बाद रखना पड़ेगा ऑफ प्रोडक्ट में। अरे एक डिप ले लेना और उसकी इमेज निकाल लेना वैसे डिज़ाइन में, और उसको उसके बाद रख देना, तो वही डिज़ाइन आ जाएगा। हाँ तो फोटो ही तो रखनी पड़ेगी फिर इसके लिए, एक फोटो नहीं तो डिज़ाइन था, आया समझ में। तो इस तरीके से सेट कर सकते हैं, तो ये डिज़ाइन मेरा क्या छे, अब जो इसके बाद बनाओगे उसके बाद से आएगा, यहाँ से आएगा इतना स्पेस छोड़ देगा ये। हाँ हाँ वाइट बीच में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ में आया, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो ये सारे दे रखी है इसकी, ये डिज़ाइन अपने आप हो जाएगा, ये जितना आपको चाहिए उतना सेट कर देना, तो डिज़ाइन वाला थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये अट्रैक्टिव लगेगा डिज़ाइन ऐसे, ठीक है। तो ये इतना बनाने की कोशिश करो पहले यही वाली साइड को, ठीक है।